पुतिन को काजरफ की जरूरत है तो जेलेंस्की को चाहिए एक नया फाइटर जेट, लेकिन F-16 को लेकर चल रही बात अब खटाई में पड़ गई है। यही वजह है कि जेलेंस्की ने एक नए लड़ाकू विमान की ताजा डिमांड रख दी है, क्योंकि उन्होंने बाइडेन से एक बड़ा धोखा मिलने का डर है। यूक्रेन में धमाकों के बीच यूक्रेन में जब एक के बाद एक शहरों को पुतिन की फौज रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, तब जेलेंस्की को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। इसे आप 440 वोल्ट का झटका कह सकते हैं। जेलेंस्की को एहसास हो गया है कि उनको अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। जेलेंस्की बार बार ये तस्वीर देख रहे हैं और फिर बाइडेन से अपनी 3 मुलाकातों को बार बार याद कर रहे हैं। जेलेंस्की को बताया गया है कि इस तस्वीर में अमेरिका और यूक्रेन का संबंध डिकोड कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहा है। यानी यूक्रेन अमेरिका और रूस के युद्ध में कठपुतली बन गया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ है कि जेलेंस्की को धोखा मिलने वाली बात सच होने जा रही है? तो बड़ी खबर F-16 फाइटर जेट को लेकर है। वही F-16 जिसे लेकर जेलेंस्की ने रूस को रोकने के बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं। यूक्रेन को F-16 देने पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। बाइडेन ने सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात कही है, इसीलिए जेलेंस्की ने ऑप्शन 2 चुनने का फैसला किया है। जेलेंस्की अब अमेरिका से F-16 फाइटर जेट के बाद जर्मनी से यूरो फाइटर की डिमांड कर रहे हैं। यूरो फाइटर टाइफून को आप जेलेंस्की का प्लान भी कह सकते हैं। ये फाइटर जेट F-16 से कम नहीं बल्कि उससे भी आधुनिक लड़ाकू विमान है। जेलेंस्की के नए विकल्प के पीछे 2 बड़ी वजह है। अगर आज की तारीख में F-16 देने पर अमेरिका राजी भी हो जाता है तो ये फाइटर यूक्रेन तक पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। और हैरान करने वाली खबर यह है कि यूरोप में अमेरिका का कोई भी साथी अपने F-16 यूरोप को देने के लिए खुल्लम खुल्ला राजी नहीं है। इसके पीछे पुतिन का खौफ सबसे बड़ी वजह है। ये बात पता चलने पर जेलेंस्की को बस यही तस्वीर याद आ रही है, क्योंकि इसी में अमेरिका को F-16 वाला ऑफर डिकोड किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन एक मोहरा साबित हुआ है। यही वजह है कि जेलेंस्की की डिमांड अपडेट हो चुकी है। अब यूक्रेन को यूरो फाइटर टाइफून की जरूरत है और ये विमान भी F-16 से कम नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये 1300 किलोमीटर की रेंज तक बमबारी करके लौट सकता है। राफेल के साथ ये यूरोप का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है, जो रूस के सुखोई 35 से मुकाबला कर सकता है। यूरो फाइटर से इस वक्त जर्मनी भी लैस है, ब्रिटेन भी लैस है, स्पेन और इटली की वायुसेनाएं भी इस फाइटर जेट को उड़ाती हैं। लिहाजा इन देशों के पास अमेरिका की मंजूरी का बहाना भी नहीं होगा। जेलेंस्की इसीलिए अब यूरो फाइटर पर अपना दांव खेलना चाहते हैं। सवाल है कि क्या जेलेंस्की F-16 को लेकर उम्मीद छोड़ दें? वही फाइटर जिसके लिए जेलेंस्की लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनको हासिल क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की और बाइडेन के बीच 3 बड़ी मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात 21 दिसंबर 2022 जब जेलेंस्की वॉशिंगटन DC गए थे, तब भी उन्होंने बाइडेन से F-16 मांगे थे। दूसरी मुलाकात 20 फरवरी 2023 जब बाइडेन अचानक कीव के दौरे पर आए, तब भी जेलेंस्की ने F-16 की डिमांड की। और तीसरी मुलाकात 21 मई 2023 जब जापान में हुई G7 की बैठक में जेलेंस्की को बुलाया गया और यहां बाइडेन ने उनसे F-16 की बहुत मीठी मीठी बात की। लेकिन ये तीनों मुलाकात अब तक धोखा नंबर 1, धोखा नंबर 2 और धोखा नंबर 3 साबित हुई है। जेलेंस्की को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि G7 में अमेरिका ने कह दिया कि उससे F-16 दिए जाने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब से जेलेंस्की ने मॉस्को को अपने ड्रोन से टारगेट किया है, अमेरिका को एहसास हो गया है कि F-16 का इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ होगा। जेलेंस्की बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर पुतिन का गुस्सा वॉशिंगटन DC तक फूटेगा, क्योंकि जेलेंस्की अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं।
वो क्या फैसला लेंगे, क्या टारगेट चुनेंगे। 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की को लेकर अमेरिका का भरोसा काफी कम हुआ है। हालांकि यूरोप की जिद के बाद बाइडेन पिघले जरूर हैं और उन्होंने G7 की बैठक के दौरान जेलेंस्की से कहा कि कसम खाओ रूस पर अटैक नहीं करोगे। जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब यूक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया। Have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. But wherever Russian troops are within Ukraine in the area, they would be able to do that. लेकिन जेलेंस्की ने अगर बाइडेन को धोखा दिया और वो F-16 लेकर पुतिन की सीमा में दाखिल हो गए तो पुतिन का गुस्सा यानी रूस की एयर स्ट्राइक 4 देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएगी और तब वर्ल्ड वॉर की नौबत आ सकती है, जो बाइडेन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और वो पुतिन से डायरेक्ट फाइट नहीं चाहते। बाइडेन के डर को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मॉस्को यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर के दायरे में है और ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या फिर रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला 4 देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नाटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहाँ जहाँ रूस का दबदबा है वहाँ ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर भी बम गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी इसी बात की इजाजत दी है। ऐसे में पुतिन के हवाई हमलों से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? यूक्रेन को बचाने से ज्यादा जेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है। इसीलिए जेलेंस्की को यह भी चाहिए यानी यूरोफाइटर। जेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है, फ्रांस का मिराज 2000 और ये वाला जहाज तो जेलेंस्की को जरूर चाहिए, अमेरिका का F-16। ये फाइटर जेट मिल जाए तो जेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे ये ताकत हासिल करने के लिए। इसीलिए जेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में जेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще, ну, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. जेलेंस्की की यही बातें पुतिन को पसंद नहीं है। गुस्से में डूबे पुतिन का दिल जहां चाह रहा है, रूस की मिसाइल वहां गिर रही है। पुतिन के इशारे पर रूस के फाइटर जेट बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा बखमूत में हुआ है, ऐसा खेरसोन और ओडिशा में हुआ है, ऐसा दुनिया ने मारियोपोल में देखा है और अब खारकीव के साथ कैपिटल क्यू भी इसी तरह पुतिन के गुस्से का शिकार बन रही है। ऐसे में जेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड है अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, जिसकी जगह वो यूरो फाइटर से भी राजी हो सकते हैं। यूक्रेन को 40 से 50 नए फाइटर जेट की जरूरत है ताकि वो कम से कम 3 स्क्वाड्रन के साथ रूस से टक्कर ले सके और पुतिन के हवाई हमलों को सीधी चुनौती दे सके। लेकिन क्या ये जहाज जेलेंस्की को मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाकू विमान अमेरिका या कहीं की नाटो और रूस के बीच जंग की सीधी वजह भी बन सकता है और ऐसा बाइडेन और यूरोप में उनके दोस्त कभी नहीं चाहेंगे।
फिलहाल जेलेंस्की को जो भी मिले ये बात तय है कि रूस के धमाकों के बीच जेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है। जेलेंस्की को लिफ्ट कराने की पूरी तैयारी हो रही है क्योंकि जेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए नई पावर दी जा रही है। कम से कम उनको ख्वाब तो दिखाई ही जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी फायर पावर है जो पुतिन के युद्ध को जेलेंस्की और नेटो पर बोझ बना सकती है।